मैं उस शायर को अब आवाज देने जा रहा हूं जो आज के इस मुशायरे का कन्वीनर भी है। नई नस्लों में उसका शुमार होता है, लेकिन उस शायर से जब मेरी पहली मुलाकात घोसी में हुई थी तो शायर ने मुशायरे को लूटा था। मुझे यकीन हो गया था कि मुल्क गिर शोहरत रखने वाली सारी सलाहियतें उस शायर के अंदर मौजूद है। ये नाम है जनाब जावेद रहबर साहब का। उनकी रहबरी में आज का ये मुशायरा बहुत ही वालेहाना अंदाज से, बहुत ही शाहाना बेनियाजी के साथ कदम ब कदम आगे बढ़ रहा है। मैं चाहता हूँ कि आज के इस मुशायरे की कन्वीनर की हैसियत से, बहैसियत शायर की हैसियत से कुछ शेर से हमारे सामईन को नवाजें। जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल कीजिए। कितने बड़े मुशायरे का इनकाद इन लोगों ने किया है। डाइस पे बैठे तमाम शुरा कराम सामईन हजरात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आप लोग सुन रहे हैं, और मैं भी चाहता हूँ कि बगैर किसी तमहीद के चार मिसरे आपके खिदमत में पेश करता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं, पढ़ता हूँ और आपकी दुआएं चाहता हूँ। अल्लाह मुझको साहेब ईमान बना दे, अल्लाह मुझको साहेब ईमान बना दे, अल्लाह मुझको साहेब ईमान बना दे, रहमत से अपनी हाफिज़े कुरान बना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह है मुझको साहेब ईमान बना दे, रहमत से अपनी हाफिज़े कुरान बना दे, ये तलवार के साए में अदा हो मेरी नमाज, अदा हो मेरी नमाज, तलवार के साए में अदा हो मेरी नमाज, इब्ने अली के जैसा मुसलमान बना। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भाई जावेद रहबर साहब, वाह वाह वाह। इब्ने अली के जैसा मुसलमान बना दे। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। मैं फिर से चार मिसरा हाजिर करता हूँ, लहजा फरमाया। अल्लाह है मुझको साहेब ईमान बना दे, रहमत से अपनी हाफिज़े कुरान बना दे, ये तलवार के साए में अदा हो मेरी नमाज, अदा हो मेरी नमाज, तलवार के साए में अदा हो मेरी नमाज, इब्ने अली के जैसा मुसलमान बना दे, इब्ने अली के जैसा मुसलमान बना दे। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। आइए हजरात, आपके खिदमत में चार मिसरा और हाजिर करता हूँ, और अब तक जो लोग खामोश रहे उनकी भी शिरकत चाहता हूँ। बताओ, खास मुलाहिज़ा फरमाए, पढ़ता हूँ मुलाहिज़ा फरमाए। गम के सूरज शाम में ढलने वाले हैं, गम के सूरज शाम में ढलने वाले हैं, खुशियों के अरमान निकलने वाले हैं, गम के सूरज शाम में ढलने वाले हैं, खुशियों के अरमान निकलने वाले हैं, ज़ुल्म और सितम की जंजीरों से मत घबरा, ज़ुल्म और सितम की जंजीरों से मत घबरा, अपने भी हालात बदलने वाले, बहुत ही हालात बदलने वाले हैं, गम के सूरज शाम में ढलने वाले हैं। बहुत शुक्रिया। इसी सिलसिले का चार मिसरा और हाजिर करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। अपने भी हालात बदलने वाले हैं, कश्ती दरिया पार लगाने वाले हैं,
कश्ती दरिया पार लगाने वाले हैं, तूफानों से आंख मिलाने वाले हैं, कश्ती दरिया पार लगाने वाले हैं, तूफानों से आंख मिलाने वाले हैं, जान के दुश्मन होश में आ जाओ वरना, जान के दुश्मन होश में आ जाओ वरना, हम भी अब तलवार उठाने वाले हैं। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह, क्या कहने जावेद रहगर, वाह 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 वाह, वाह हम भी अब तलवार उठाने वाले, वाह वाह। हाँ जरा पानी दीजिए। बिल्कुल दोस्तों, देखिए मैंने कहा था ना, मुल्कगीर शोहरत रखने वाली सारी सलाहियतें जावेद रहवर साहब के अंदर मौजूद है, आप सुनिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आइए अब बहुत ही मोहब्बतों से आप लोग नमाज दें हैं। मैं चाहता हूं कि चार मिसरे आपके लिए भी पढ़ दूं। इनायत पढ़ता हूं आप लोग नौजवान दोस्त, बता दे खास लजा फरमाए, पढ़ता हूँ और दुआएं चाहता हूँ आपको। मैं तुझे माँ हताब कर दूंगा, मैं तुझे माँ हताब कर दूंगा, चाहतों की किताब कह दूंगा, मैं तुझे माँ हताब कह दूंगा, चाहतों की किताब कह दूंगा, गजो मेरे करीब आ जाओ, गजो मेरे करीब आ जाओ, तुमको छू कर गुलाब का, बहुत अच्छे, गुलाब कर दूंगा, मैं तुझे माँ हताब कर दूंगा, चाहतों की किताब कर दूंगा, मैं तुझे माँ हताब कर दूंगा, चाहतों की किताब कर दूंगा, गजो मेरे करीब आ जाओ, गजो मेरे करीब आ जाओ, तुमको छू कर गुलाब कर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वाह 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 दूंगा। मेरे बड़े भाई दिल खैराबादी साहब, अली बाराबंकी साहब, सुहेल आजाद, शाह खालिद भाई, इन तमाम लोगों की मुझे दुआएं मिल रही हैं, और बड़े ही मोहतरम जनाब जमील खैराबादी साहब, ये मैं उनकी भी दुआएं चाहते हुए चार मिसरा और हाजिर करता हूँ। मुलाजा फरमाएं, तुमको छू कर गुलाब कह दूंगा, जाम उल्फत का मैं पिला दूंगा, दिल की दुनिया में घर बना लूंगा, जाम उल्फत का मैं पिला जाम उल्फत का मैं पिला दूंगा, दिन की दुनिया में घर बना दूंगा, मुझको अपना अगर बना लो तुम, मुझको अपना अगर बना लो तुम, बखुदा जिंदगी लुटा, वाह वाह बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह, बखुदा जिंदगी लुटा दूं। उस्ताद मोहतरम शमीम बिलरिया गंजी साहब की दुआएं शामिल हाल रही, बहुत खूब सनद है वही आपके लिए। बहुत शुक्रिया। आइए हजरात, अभी हमारे मेहमान शुदा इकराम नहीं बाकी हैं, उनको भी आपको सुनना है।
मैं एक गजल का मतलब और दो शेर हाजिर करके अपनी जगह लेता हूं। मैं मतलब पढ़ता हूं और तमाम शोराए इकराम स्टेज के बीच इधर चाहता हूं, मुलाजा फरमाए, मतलब हाजिर करता हूं बतौर खास, मुलाजा फरमाए। जिंदगी के आंगन में हर तरफ अंधेरा है, देश का मुहाफिज ही देश का लुटेरा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह, देश का लुटे मतला सजा हुआ भाई, वाह वाह, बोल गया काफी, वाह वाह। जिंदगी के आंगन में हर तरफ अंधेरा है, जिंदगी के आंगन में हर तरफ अंधेरा है, देश का मुहाफिज ही देश का लुटेरा। बहुत अच्छे जावेद, बहुत अच्छे पढ़ते। देश का मुहाफिज ही देश का लुटेरा है, और ये शेर बतौर खास नजर फरमाए। देश का मुहाफिज ही देश का लुटेरा है, या खुदा करम कर दे मुफलिसों की बस्ती पर। दिल भाई, या खुदा करम कर दे, या खुदा करम कर दे मुफलिसों की बस्ती पर, या खुदा करम कर दे मुफलिसों की बस्ती पर। हाथ में लिए खंजर दुश्मनों ने घेरा, वाह 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 वाह। हाथ में लिए खंजर दुश्मनों ने घेरा है, या खुदा करम कर दे मुफलिसों की बस्ती पर। धूप की बलाओं का मुझ पे क्या असर होगा, धूप की बलाओं का मुझ पे क्या असर होगा, मेरे घर के आंगन में पेड़ एक घनेरा है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। में पेड़ एक धूप की बलाओं का मुझ पे क्या असर होगा, मेरे घर के आंगन में पेड़ तो धनेरा है, मेरे घर के आंगन में घनेरा है। और इन्हीं दुआओं के साथ मक्ता भी मुलाजा फरमा लें। मेरे घर के आंगन में पेड़ एक घनेरा है, डस न ले तुझे रहबर, खास पर नजर रखना, डस न ले तुझे रहबर, खास कर नजर रखना। इनसे आसिना गो का बस्ती बस्ती फेरा। वाह वाह भाई, बहुत अच्छे। देखिए ये इनका अपना वतन है, बहरहाल कन्वीनर भी हैं। अब आप जैसा हुक्म दीजिए, बिल्कुल मैं आपके हुक्म के खिलाफ नहीं हूँ। आइए भाई शमीम भाई, इनको जरा फिर आवाज दीजिए, पढ़ें। हाँ बिल्कुल इत्मीनान से, आप जो चाहिए सुनिए, या आपका अपना मुशायरा है।
हाँ वो हाँ वो जो है वो गजल मैं पढ़ दूंगा, उससे पहले एक गजल का एक मतलब और दो शेर पढ़ के उसको पढ़ूंगा, वो गजल मैं पढ़ दूंगा उसको। अच्छा वही पढ़ दूंगा, चलिए ठीक वही पढ़ बिल्कुल वही पढ़। लेकिन जैसे सुनना चाहिए वैसे सुनिए आप लोग, और सुन भी रहे हैं, पढ़ता हूँ। पढ़िए। मेरी वफा में जो खुद को मिटाने वाला था, जमील मेरी वफा में जो खुद को मिटाने वाला था, मेरी वफा में जो खुद को मिटाने वाला था, मेरी वफा में जो खुद को मिटाने वाला था, ओ आ गया ये मेरा घर जलाने वाला, वाह 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 बहुत अच्छे, जलाने वाला था, उसी ने मुझे को पलट कर कभी नहीं देखा, उसी ने मुझको पलट कर कभी नहीं देखा, उसी ने मुझे को पलट कर कभी नहीं देखा, उसी ने मुझे को पलट कर कभी नहीं देखा, मैं जिसकी राह में पल के बिछाने वाला था, वाह वाह वाह, है मैं पल के बिछाने वाला था। और ये शेर बताओ देखा सुनने जा फरमाए, उसी को पी गई जालिम शराब की बोतल, उसी को पी गई जालिम शराब की बोतल, उसी को पी गई जालिम शराब की बोतल, जो अपने घर में अकेला कमाने वाला था, जो अपने घर में अकेला कमाने वाला था, बहुत अच्छा शेर, जो अपने घर में अकेला कमाने वाला था। और ये गजल का शेर मिला था, अभी से नींद का आँखों पे मेरी गलबा है, अभी से नींद का आँखों पे मेरी गलबा है, अभी से नींद का आँखों पे मेरी गलबा है, तुम्हारा ख्वाब तो रातों में आने वाला, तुम्हारा ख्वाब तो रातों में आने वाला था, उसी को अपना मसीहा बना लिया मैंने, क्या कहने उसी को अपना मसीहा बना लिया मैंने, उसी को अपना मसीहा बना लिया मैंने, जो मेरे खून का दरिया बहाने वाला, बहुत अच्छा बड़ा तारीखी शेर है, का दरिया बहाने वाला था। और इस गजल का आखिरी शेर पढ़ के अपनी जगह लेते लजा फरमाए, जो मेरे खून का दरिया बहाने वाला था, उसी को लो ये उठाए हुए है कांधों पर, ये शेर बता दे खास मिला जा फरमाए, उसी को लो ये उठाए हुए है कांधों पर, उसी को लो उठाए हुए है कांधों पर,
वाह 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 वाह। जो बूढ़ी माँ का जनाजा उठाने वाला था, बहुत अच्छे बहुत। उसी को लो उठाए हुए है कांधों पर, उसी को लो उठाए हुए है कांधों पर, जो बूढ़ी माँ का जनाजा उठाने वाला था। आज मक्ता मुलाजा फरमाने, उसे तो मार दिया मैंने जान से रहबर, उसे तो मार दिया मैंने जान से रहबर, उसे तो मार दिया मैंने जान से रहबर, जो मेरे जिस्म को सर से उड़ाने वाला।